हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आरआरबी के सभी जोन के अंदर एलपी एंड टेक्नीशियन का डीवी एंड मेडिकल प्रोसेस चल रही है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जितने भी कमेंट्स मुझे मिले हैं, जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस या आपके मन में जो भी क्वेरीज रहती है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को लूँगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, सो इस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। एंड इसके बावजूद यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस होती है, कोई भी डाउट्स होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। ठीक है, मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे, जितने भी मुझे कमेंट्स सेक्शन मिले, मैंने उन सबके कमेंट्स को लिया हूँ। ठीक है, एंड इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया सो दैट मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। एंड उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे एंड आपके फ्रेंड्स हो या आपके जो भी कलीग्स हो जिनका अभी डीवी एंड मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि क्या एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों का डीवी एंड मेडिकल हो रहा है कि नहीं, क्या एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों का डीवी एंड मेडिकल हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, जी हाँ, हो रहा है। जिनका भी आईटीआई है, ठीक है, उनका डीवी में जो है एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट कैटेगराइज में। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एलपी वाले का हो रहा है, टेक्नीशियन वालों का भी हो रहा है। क्योंकि मेडिकल प्रोसेस में जब आप जाओगे मेडिकल हॉस्पिटल, तो वहाँ पर लिखा रहता है मेडिकल मेमो में, जब वो वहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि मैं जो भी कैंडिडेट का जो मेडिकल होना है वो A1 B1 या जो भी B2 कैटेगरी में, वो सारे कैटेगरी वहाँ पर लिखा रहता है जो भी कैंडिडेट्स का मेडिकल होना है। तो B1 B2 ऑब्वियसली आपको भी पता है कि LP का नहीं है, वो टेक्नीशियन का होता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन का मतलब क्या हुआ कि टेक्नीशियन का भी डीवी चल रही है, मेडिकल चल रही है, और एलपी वालों का भी चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एलपी वालों का चल रहा है, दोनों का चल रहा है। तो पहला डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों का डीवी एंड मेडिकल चल रही है। सारे जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे जोन की बात कर रहा हूँ। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ कि आई टेस्ट में कितने लोग अनफिट है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई टेस्ट में कितने लोग अनफिट है। देखिए, एलपी के लिए आई टेस्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। विज़न टेस्ट, तो विज़न टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 टेस्ट हो रही है, लेकिन इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल में, खासकर अरबी रांची की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मुझे दिखा है, ठीक है, कि कुछ हॉस्पिटल में आपका फॉगिंग टेस्ट भी हो रहा है। तो फॉगिंग टेस्ट शायद हर जगह नहीं हो रहा, लेकिन फॉगिंग टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि फॉगिंग टेस्ट एक्चुअली उसमें आपको ब्लर इमेज दिखेगा, जो कि आपको बतानी होगी कि स्पेशली कटिंग सी वाली जो इमेज रहती है उसको दिखाया जा रहा था, ठीक है, फॉगिंग टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये बताना मुश्किल है कि आई टेस्ट में कितने लोग अनफिट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कमेंट मैंने ले लिया है, ठीक है, कितने लोग अनफिट है, क्योंकि आपको पता है कि आई टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज़न टेस्ट में, जो भी मैंने 4 टाइप के टेस्ट बताया आपको, इंक्लूडिंग फॉकिंग टेस्ट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी टेस्ट में इजीली लोग पास कर जाएंगे। हाँ, लेकिन बाकी टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुझे पता है। बाकी टेस्ट में सबका नॉर्मल है, जितने भी टेस्ट मेडिकल प्रोसेस में हो रही है। विज़न टेस्ट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, एलपी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। एंड विज़न टेस्ट में मैंने और एक चीज़ बताया, जो कि एक कलर विज़न टेस्ट के अंतर्गत आता है, नाइट विज़न टेस्ट, मतलब अंधेरे डार्क रूम में वो टेस्ट कराया जाती है, जो कि कलर होती है रेड एंड ग्रीन, उसको दिखाया जाता है। आपको बताना होता है कि किस साइड में है, राइट लेफ्ट अप डाउन, या कितने कलर्स है, 3 रेड है, 2 रेड, 2 ग्रीन है, ऐसा आपको बताना पड़ता है, ठीक है।
जैसे कि तीन रेड है इस टाइप की दिखेगा आपको, ठीक है, या दो ग्रीन दिखेगा, तो उस टाइप को आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया आई टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेडिकल होने के बाद कैसे पता चलेगा कि फिट है या नहीं, कोई रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि कोई रिपोर्ट मिलेगा आपको। जितने भी रिपोर्ट रेडी होते हैं आपके मेडिकल होने के बाद हॉस्पिटल में, और डायरेक्ट आरआरबी के हेड ऑफिस चल जाती है, ठीक है, या तो उसी दिन जाती है या उसके बाद दिन जाती है, तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये कन्फर्मेशन ले सकते हो डॉक्टर से या खुद से कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। यदि डॉक्टर को डाउट होता है तो डॉक्टर बार बार आपसे पूछेगा, तो आप उसी से आप समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बाकी जोन्स का तो मैं बता नहीं सकता कि अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है या कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं आरआरबी रांची की मैं बात कर सकता हूँ। आरआरबी रांची के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे मेल पे क्वेश्चन कर सकते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरआरबी रांची का मैं आपको 100% फुल्ली अंदर में हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर किस टाइप के टेस्ट कर रहे हैं या किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही किस में नहीं हो रही है, पूरी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आरआरबी रांची के जितने भी हॉस्पिटल है वो मुझे तो फ्रेंड्स ये बताना मुश्किल है कि कोई रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है आपको। आरआरबी रांची के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि धनबाद हुआ, आद्रा हुआ, चकदरपुर हुआ, या बंडा मुंडा हुआ, या टाटा नगर हुआ, यहाँ कहीं भी आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, सिवाय आपको ये जरूर कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है, ये आप जान सकते हैं। जैसे कि आरआरबी रांची के अंतर्गत आद्रा जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पर या धनबाद में एक ही दिन में मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। विद इन वन डे, एक दिन में आपका पूरा मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जा रही है एकदम स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। एंड आद्रा में एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। जो भी आरआरबी रांची के अंतर्गत है जितने भी कैंडिडेट है, आद्रा में थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। एंड फ्रेंड्स एक बात और है, आद्रा में जो है यदि कोई कैंडिडेट का कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो उनको सेकेंड चांस भी दिया जा रहा है। एंड सेकेंड चांस दिया जा रहा है प्लस उनको वेटिंग भी रखा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि रिपोर्ट बना के सेंड कर दिया जा रहा है, तो आपको चांस मिलेगा, डोंट वरी। आद्रा में एक फैसिलिटी है। एंड धनबाद में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यदि आपको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक भी है तो उसको गिनती नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है फ्रेंड्स। आरआरबी रांची के जितने भी कैंडिडेट हैं मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछे, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। जिन्हें यदि कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, यदि इनको विजन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं उनका हेल्प जरूर करूंगा आपको पास होने के लिए। यदि किसी का थोड़ा सा माइनर मिस्टेक भी है तो मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा कि उसका कैसे पास किया जाए, ठीक है। मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे पास करना है कैसे नहीं करना है रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेफिक्र होकर मुझसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या फ्लैट नॉक नी चेक हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फ्लैट फुट नॉक नी चेक हो रहा है कि नहीं, ये एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी भी जोन में अभी तक ये नहीं देखा गया कि फ्लैट फुट या नॉक नी चेक हो रहा है, तो इसका आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, फ्लैट फुट नॉक नी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फ्रेंड्स एलपी एंड टेक्नीशियन का है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कोई हार्डवर्क नहीं होता है, ठीक है, कि आपका फ्लैट फुट एंड नॉक नी चेक किया जाए, तो ये बिल्कुल चेक नहीं हो रहा, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा और एक क्वेश्चन लेता हूँ फ्रेंड्स कि हियरिंग टेस्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब ईयर का टेस्ट हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स जैसे कि आरआरबी सिलीगुरी, आरआरबी मालदा, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है, इवन आरआरबी चंडीगढ़,
आरआरबी मुंबई, तो मैक्सिमम जगह ईयर टेस्ट तो हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो ईयर टेस्ट होता है, ये हियरिंग टेस्ट होता है, वो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हियरिंग टेस्ट कुछ हॉस्पिटल में हो रही है, कुछ हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ये नॉर्मल टेस्ट है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन टेस्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है फ्रेंड्स। यूरिन टेस्ट जो हो रही है, यूरिन टेस्ट बेसिकली किस लिए होती है, आपको मैं बता दूँ। यूरिन टेस्ट फर्स्टली आपके यूरिन में यदि कोई इन्फेक्शन है वो देखा जाता है, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल में पैथोलॉजी सेंटर है वहाँ पर यूरिन टेस्ट लिया जाता है, एक छोटे से डब्बे में, ग्लास के डब्बे में आपको यूरिन लाने बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबको एक एक कैंडिडेट को भी दे देते हैं, फिर जाके यूरिन वहाँ पर जमा करना पड़ता है, एंड सो दैट आफ्टरवर्ड आपका यूरिन को टेस्ट किया जाता है। शुगर टेस्ट भी यूरिन के साथ ही हो जाती है, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट उसी तरह से होती है, एक डब्बे दिया जाता है, उस डब्बे में आपको यूरिन भरना पड़ता है और वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, डीवी जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाती है। डीवी का जो प्रोसेस वो एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाती है, सिवाय जो लास्ट शिफ्ट है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 2:30-3 बजे जो लास्ट शिफ्ट है वहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत लेट हो जाए, तो सेकंड डे बुला लेती है डीवी में, वरना फर्स्ट एंड जो सेकंड शिफ्ट में जिनका भी डीवी है, चाहे जो भी जोन हो, तो उनका डीवी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने अलग से वीडियो बनाया हर एक आरआरबी का, वहाँ के जाके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस जैसे कि डीवी के बाद मेडिकल के लिए आपको उसके तुरंत नेक्स्ट डे ही आपको भेजा जा रहा है, जो भी रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स आपको तुरंत भेजा जा रहा है। उस हॉस्पिटल में आपको जाके कोई रिपोर्ट नहीं करना, वो पहले से वो जो मेडिकल मेमो वो लोग तैयार किए हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर सेंड कर देते हैं। जो भी कैंडिडेट्स है, जितने भी कैंडिडेट्स है, बेसिकली 15 से या 20 कैंडिडेट को भेजा जा रहा है एक ही दिन में हॉस्पिटल में, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपका मेडिकल भी कम्प्लीट हो जाए। तो मेडिकल फ्रेंड्स, मेडिकल भी आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में एक ही दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, किसी किसी हॉस्पिटल में एक दो टेस्ट बाकी रह जा रही, तो नेक्स्ट डे आपको करवा दी जा रही। तो पूछा जाए तो पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स डीवी के लिए पकड़ लिए एक दिन, मेडिकल के लिए मैक्सिमम 2 दिन पकड़ लीजिए, ना तो मिनिमम एक ही दिन में कंप्लीट हो जा रही, ठीक है। तो पूरा पूरी यदि देखा जाए तो 3 डेज में आपका डीवी एंड मेडिकल दोनों कंप्लीट हो जा रही है हर एक जोन में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीसी सर्टिफिकेट चेक हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ईबीसी सर्टिफिकेट चेक हो रही है, ठीक है। जिनका भी ईबीसी दिया हुआ है, जो भी पेमेंट के टाइम में वो कंसेशन लिए थे, तो ईबीसी सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, ओबीसी एससी एसटी जो भी है अपने नए वाले कास्ट सर्टिफिकेट को तो जरूर ले जाए, जो कि रेलवे फॉर्मेट में है, प्लस पुराने जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको उसका भी आपको 2 फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल लेके जाना है, वो भी चेक हो रहा है, ठीक है। तो आरआरबी रांची में तो चेक हो ही रहा है, बाकी जोन्स में भी किसी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि दोनों चेक हो रहा है, तो आप दोनों लेके जाइए, ठीक है, वरना फिर आपको 15 दिन के बाद फिर आने बोल लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कंप्लीट लेके जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। किन्हीं किन्हीं को लगता है कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पूरी देख के सोच के एंड अच्छे से क्लियरली पूछ के मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो जिनको बोलना है बोल सकते, जिनको नहीं ले जाना मत ले जाइए, आपको फिर 15 दिन के बाद आपको घुमाएगा, आप घूम के आइएगा, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइंदा से आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सो दैट आपको ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो आप इतने दूर से जाओगे, ठीक है, डीवी के लिए, तो वहाँ पर फिर फ्रेंड्स आपको 15 दिन के बाद वापस बुलाए, तो फिर आपका ही हैरेसमेंट है, ठीक है, किसी और का नहीं है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिए कि आप
दोनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ फ़ोटो कॉपीज लेके जाइएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना ना भूलें, सो दैट मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूँ एंड उसका रिप्लाई भी आपको दूँ, ठीक है। सो मैंने इस वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, मैंने उसको क्लियर किया, ठीक है। एंड किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो या कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे, ठीक है, यदि उनके मन में कुछ भी प्रॉब्लम है कि मुझे डाउट है क्योंकि मेरा 6x6 में भी प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर विज़न टेस्ट में, तो मुझे बताइए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में कि जिनका 6x9 है लेकिन वो भी आए थे मेडिकल में, ठीक है। ऐसे तो आपको भी पता है कि 6x6 मैक्सिमम लोगों का होता ही है, लेकिन फिर भी लेफ्ट या राइट आई में थोड़ी बहुत माइनर कमजोरी होती है, पावर होती है, तो उन लोग वहाँ पर जाके उन लोग को छाड़ दिया जाता है मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। तो यदि आपको डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे क्लियर करना चाहिए विजन टेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, या मैं उसके लिए अलग ही वीडियो बना के लाऊंगा। यदि किसी को भी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मुझे पता है पूरे इंडिया में, जितने भी आरआरबीज़ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, विजन टेस्ट में, तो उन सारे कैंडिडेट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा एंड मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं उतना हेल्प करूँगा आपको, ठीक है, सो दैट आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। मुझसे जितना हेल्प होगा मैं उतना करूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए एंड लाइक करना ना भूलिए एंड फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे एंड उनका भी कुछ हेल्प हो, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।